Warm welcome, dear students. Today we are about to discuss the test of laws of motion and work power energy. Question number one When forces F1, F2, F3 are acting on a particle of mass M such that F2 and F3 are mutually perpendicular, एक पार्टिकल पे फोर्सेस अपने पास दो हैं राइट right एंगल पे और एक फोर्स ऐसी है एफ थ्री जो कि इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है तो जितना रिजल्टेंट इन दोनों फोर्सेस का होगा एफ वन और एफ टू का उतना ही फोर्स हमें एफ थ्री चाहिए सो एफ थ्री जो है एफ वन को रिमूव किया एफ वन जो है वो एफ टू और एफ थ्री के रिजल्टेंट के बराबर है यानी एफ टू करें प्लस एफ थ्री आ जाएगा क्योंकि थीटा इन दोनों फोर्सेस में नाइन्टी डिग्री था क्वेश्चन है अगर हम एफ वन को रिमूव कर दें ये वाली फोर्स अगर हटा दें तो अब ये कितनी एक्सेलेशन से जाएगा तो नो no डाउट वैसे तो ये नेट फोर्स है इसको डिवाइड बाय मास करेंगे लेकिन ये पूरा का पूरा जो है ना वो एफ वन के इक्वल भी है तो एक्सेलरेशन को चाहे आप एफ वन बाय एम लिखिए जो कि ऑप्शन ए अपना आंसर है या फिर रूट ऑफ एफ टू स्क्वायर प्लस एफ थ्री स्क्वायर बाय एम करिए वो यहां पे नहीं है सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन है एक चेन को एक टेबल के ऊपर प्लेस किया गया रफ टेबल पे और उस चेन का जो कुछ पार्ट है वो नीचे हैंगिंग है तो चेन जब चलना शुरू कर देती है वन थर्ड अगर उसका हैंग करें टेबल से नीचे तो चेन स्टार्ट स्लाइडिंग तो कॉफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ तो ऑबियस है जो चेन का वन थर्ड पार्ट है वो नीचे था इसको चेन मान लीजिए आप वन थर्ड नीचे है तो मास का वन थर्ड हिस्सा नीचे लटका हुआ है और टू थर्ड वन थर्ड माइनस कर दीजिए वन में से टू थर्ड ऊपर हैंगिंग है ऊपर टेबल पे है तो इसका जो वेट होगा वो आएगा टू एम बाई थ्री इन जी वेट को अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा जो बैकवर्ड फोर्स है जो इसकी मोशन को अपोज करेगी वो निकल आई और जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज एम बाई थ्री इन टू जी ये दोनों फोर्सेज बेटा इक्वल हो जाएंगे तो मोशन जो है वो जस्ट शुरू होने वाला है बस इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा एम बाई थ्री एम बाई थ्री कैंसल जी की वैल्यू जी से कैंसिल तो कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो वन बाई टू यानी कि पॉइंट फाइव आना चाहिए तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा इंक पहले रिमूव कर दे क्वेश्चन नंबर थ्री सेंट्रीपिटल फोर्स जो एक सर्कुलर मोशन में चाहिए होती है वो कार को कहाँ से मिलती है तो हमने केसेस किए ना जो रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल थे उसमें कार ऑन अ लेवल कर्व कार ऑन अ बैंक रोड तो जो फोर्स है कार के व्हील्स को वो मिलती है स्टैटिक फ्रिक्शन से अगर कार हमारी तरफ को आ रही है ना इस तरह से ये ये टर्न लिया कार ने ऐसे सपोज ठीक है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कार को बाहर खींचती है इनर्शिया जो है वो चाहता है कि कार जो है ना वो टर्न ना ले सीधी चले जाए तो फ्रिक्शन उसको चलने से रोकती है लेकिन क्योंकि कार जो है ना वो इधर को या इधर को गई तो नहीं तो स्लाइडिंग मोशन अभी शुरू नहीं हुआ स्लाइड नहीं हुआ दैट मीन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा चलिए क्वेश्चन नंबर फोर एक व्हीकल है जो कि एक होरिजोटल रोड पे जा रहा है उसका मोमेंटम है P और ब्रेक्स लगाई ऑफ फ्रिक्शन टायर्स में और रोड में है म्यू तो कितने डिस्टेंस में व्हीकल रुक जाएगा आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ था S इक्वल टू यू स्कोर बाय ट्वाइस म्यू जी इतने डिस्टेंस में रुकेगा व्हीकल पर हमें मोमेंटम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे बेटा ऊपर ना मोमेंटम में होता है मास इन वेलोसिटी तो वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड, आ जाएगा। five, एक गार्डनर जो है वो प्लांट्स को पानी दे रहा है वाटर इज कमिंग आउट एट द रेट ऑफ टेन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड तो जो रिएक्शन फोर्स लगेगा ना गार्डनर के हैंड पे बैकवर्ड्स वो कितना होगा तो आपको दिया है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है ना वो दिया है आपको सेंटीमीटर क्यूब में तो मीटर क्यूब बनाने के लिए ना एक सेंटीमीटर को मीटर बनाना हो तो बाय हंड्रेड करना पड़ता है ये तीन बार है तो बाय हंड्रेड तीन बार आएगा तो टेन पर माइनस सिक्स लगाना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखनी है थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का जहां से पानी निकलना है ना वो पाइप का जो एरिया है वो सर्कल की फॉर्म में है तो सर्कल का एरिया होता है πr² तो यहां से वाटर इज कमिंग आउट तो ये एरिया हो गया पाई π रेडियस स्क्वायर तो क्वेश्चन है कि कितना फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है तो फोर्स वैसे तो मास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन होता है तो पानी की वेलोसिटी जो पहले 0 थी वो टाइम टी सेकंड में अगर वी बन गई तो इसकी एक्सेलरेशन वी बाय टी हो जाएगी बट मास होता है इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम मास इक्वल इनटू वॉल्यूम कर दिया तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड जो है तो v t आ गया। अब क्वेश्चन आ गया कि इसकी जो वेलोसिटी है फ्लो की वो कितनी है तो अगर पाइप का जो एरिया है यहां पे वो ए है पाइप का एरिया हो अगर ए तो एरिया को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें जैसा कि हमने ना इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में किया था जब थ्योरम डिस्कस होती है ना वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड जो है वो एरिया इनटू वेलोसिटी होता है तो वेलोसिटी लिखनी हो तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड डिवाइड बाय एरिया करना है यही लिखा हुआ यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड डिवाइड बाय एरिया तो वी का वैल्यू पुट कर दिया तो चेक करिए v बाई टी दो बार आ गया v बाई टी दो बार आ गया इंटू डेंसिटी अपन एरिया बाकी अब सारी आपको वैल्यूज गिवन है density है डेंसिटी आपके पास वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है एरिया डायमीटर गिवन है ना डायमीटर का हाफ कर लीजिए रेडियस आ जाएगी पॉइंट फाइव एम 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 के बनाओगे मीटर तो टेन पाव माइनस थ्री इसको पाई करके इंटू आर स्क्वायर कर देंगे यही लिखा हुआ है एरिया आ जाएगा बाकी वैल्यूज पुट करिए क्वेश्चन अपने आप आगे बेटा आप सॉल्व कर पाएंगे चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन है कि एक वेज जो है उसको हम एक्सेलरेशन ए से राइट हैंड साइड को खींच रहे हैं और इन दोनों के बीच में जो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू वो निकालना है और अल्फा जो एंगल है वो उसका टेंजेंट जो है वो वन बाय फाइव आएगा तो क्वेश्चन है कि म्यू का वैल्यू मिनिमम क्या होना चाहिए कि इतने एक्सलेशन पे खींचने के बाद भी ये जो ब्लॉक है ना वो रेस्ट पे रहे तो पहले एक काम करते हैं मैंने ये डायग्राम बढ़ा करके ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे पहले मैं फोर्सेस ड्रॉ कर देता हूँ कौन कौन सी लगनी है तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले ये जो मास है ना एम इसका वेट डाउनवर्ड्स और ये दोनों एंगल सेम होते हैं तो जो वेट के कंपोनेंट्स होंगे वो एक एम जी कॉजअल्फा आएगा एक एम जी साइन अल्फा आएगा ब्लैक कलर वाला जो है नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन को इनटू म्यू कर देंगे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा क्योंकि नीचे को जाने की कोशिश करेगा ना तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स होगा अब ये जो ब्लॉक है ना इसकी एक्सेलरेशन ए है फॉरवर्ड तो इस इसी अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें ब्लॉक वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ट्रायंगुलर वेज है अपना तो इस मास को एक बैकवर्ड एक्सेलेशन फील होगी इसके कंपैरिजन में तो एक एक्सेलेशन मास M का बैकवर्ड्स तो पीछे को फोर्स हो गया A, ये दोनों तो दोनों लाइंस हैं पैरेलल ट्रांसवर्सल तो एंगल आएंगे सेम तो एम ए के भी दो पार्ट्स कर दीजिए जिधर एंगल उधर लगाएंगे कॉज रेड कलर में लिखा हुआ है और इधर लगाएंगे साइन अब क्योंकि इस ब्लॉक को चलना नहीं है ना ऊपर ना नीचे ना इधर ना इधर तो नॉर्मल रिएक्शन एम ए साइन अल्फा और एम जी कोज अल्फा ये आपस में कैंसल आउट होने चाहिए तो नॉर्मल रिएक्शन में एम ए साइन अल्फा एड करेंगे तो एम जी कोज अल्फा आना चाहिए यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम जी कोज अल्फा माइनस एम ए साइन अल्फा होना चाहिए ये एक इक्वेशन आ गई और इनक्लाइन के अलोंग म्यू इन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर को है ये दो फोर्स नीचे को है ये भी आपस में कैंसल आउट होने चाहिए दोनों इक्वेशन करिए डिवाइड एन से एन तो हो जाएगा कैंसिल मास, 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 मास। कर दीजिए तो अब अपने डिवाइड करिए साइन बाय कोज बन गया टेन इधर आ गया वन कॉज बाय कोज वन साइन बाय कॉज टेन क्योंकि हमें टेन का वैल्यू दिया हुआ है ना बस अब वैल्यूज पुट करिए जी की जगह टेन अल्फा की जगह वन बाय फाइव टेन अल्फा की जगह एक्सेलेशन को टू सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा फाइव बाय ट चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन इज के दो मास जो है ना दे आर एम एंड टू एम और कुछ स्प्रिंग लगाया हुआ है बीच में एक स्प्रिंग हो कोई एक्सप्लोजन हो जाए तो मोमेंटम आप जानते हैं सेम रहता है ना इसका मास थ्री एम है तो इसकी वेलोसिटी अगर वी वन स्प्रिंग खुलने पे इसकी वेलोसिटी है वी टू तो एम इंटू वी वन मैग्नीट्यूड में थ्री एम इंटू वी टू के इक्वल होगा तो एम से एम कैंसिल तो इसकी वेलोसिटी वी वन जो है वो दूसरे की वेलोसिटी वी टू का थ्री टाइम्स होगी अब ये जो है अंडर फ्रिक्शन डिस्टेंस एस वन एस टू कवर करके रुक गए और डिस्टेंस कवर में आप जानते हैं यू स्क्र बाई टू आता है तो अगर वेलोसिटी जो है इसकी थ्री टाइम्स है तो फिर वेलोसिटी का स्क्वायर नाइन टाइम्स होगा तो जो स्मॉल एम है वो कवर करेगा डिस्टेंस नाइन टाइम्स एज कंपेयर टू दैट बाय थ्री एम तो सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए और उसके बाद वेलोसिटी के स्क्वायर का रेशियो निकाल दीजिए दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर एट ये क्वेश्चन थोड़ा सोच की करने वाला है इसमें यह है कि अगर मान लो इस मास का एक्सेलरेशन है ए देखो टेंशन तो पूरी रोप में एक ही रहती है ना सभी जगह फ्रिक्शन लेस दिया है स्ट्रिंग्स आर मास लेस। तो टेंशन हर जगह सेम रहेगी और बताया हुआ आपको टेंशन ऑलवेज पुल्स तो यहाँ पे टेंशन टी टी जो है वो अपवर्ड्स होगी और यहाँ पे टेंशन टी जो है वो इसको पुल करेगी राइट हैंड साइड को और वही टेंशन टू एम को पुल करेगी लेफ्ट हैंड साइड को तो एक तो फॉर्मूला हो गया इसका बेटा ऊपर वाले मास का एम का टी इज इक्वल टू एम ए लेकिन ये जो है अंडर सेम टेंशन टेंशन तो सेम ही है ना इस पे भी तो मास इसका है टू एम तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो आप समझ गए होंगे होनी चाहिए ना बेटा अगर मास एम को एक टेंशन टी एक्सेलरेट करती है ए तो मास को डबल कर देंगे एक्सलेशन आप हो जाएगी तभी तो सेम इक्वेशन मैच करेगी आपकी मर्जी अगर ए टू लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व कर लेंगे तो भी आ जाएगा ए बाई टू अब अगर बेटा ये दोनों पार्ट जो है ना वो नीचे को बराबर आते हैं मान लो इसकी एक्सेलरेशन भी ए है इसकी एक्सेलरेशन भी ए है फिर तो ये मास नीचे को एक्सेलरेशन ए से जाएगी बट ऐसा नहीं है इस बार एक्सेलेशन दोनों अलग अलग है तो अब क्या करना पड़ेगा अगर इसका एक्सेलरेशन है ए और इसका एक्सेलरेशन है ए बाय टू तो इसका एक्सेलरेशन ना इन दोनों का एवरेज करना पड़ता है ए में ए बाय टू एड करके ना बाय टू कर लो तो ये आ जाएगा बेटा आपका ऊपर थ्री ए बाई टू उसको हाफ करेंगे तो थ्री ए बाय फोर तो ये जो मास है इसकी एक्सेलरेशन रहेगी थ्री ए बाय फोर बस यही इक्वेशन है अपनी मेन जो नीचे वाला मास है उसका बेटा वेट है फोर एम डाउनवर्ड्स और उस पर ऊपर को फोर्स है दो बार टी टी अपवर्ड फोर्स टी, टी दो बार तो ये फोर्स हो गया टू टी फोर्स ऊपर को फोर इसका वेट नीचे को फोर एम और एक्सलेन को लिखेंगे थ्री ए बाई फोर बाकी सोल्व करके ना ए का वैल्यू आगे अपने है, manage क्या क्वेश्चन पे मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन जो है इसमें भी सारे सर्फेस फ्रिक्शन लेस है ये मास तो बेटा सर्फेस ही पड़ी है ये जो मास है टू एम इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा दिस वे वो लगेगा टू एम जी ठीक है कई बार कर चुके हैं बेटा टू एम जी साइन ऑफ अल्फा यानी साइन ऑफ थर्टी डिग्री साइन थर्टी यानी हाफ तो टू एम जी इन टू साइन थर्टी की वैल्यू वन बाय टू वन बाई टू कैंसिल तो जो फोर्स इन दोनों मास को चलाती है ना वो फोर्स है mg इसने ये दो मास खींचने हैं 2m एम एंड एम तो जो एक्स जो एक्सेलरेशन है सिस्टम की वो आ जाएगी टू दोनों पे जो फोर्स है एम जी डिवाइड बाई टोटल मास जो मूव करना है वो टोटल मास है टू एम एंड एम तो नीचे थ्री एम से डिवाइड किया तो एक्सेलरेशन जान गए आप जी बाय थ्री आना चाहिए ठीक है एक्सेलरेशन जी बाय थ्री आ गया अब हमें टेंशन भी निकालना है तो सिंपल सी बात है भाई इस पे एक ही फोर्स है टी और वो टी फोर्स जो है वो इक्वल टू मास एम मासन एक्सेलरेशन जी बाई थ्री है तो टेंशन अपनी आ गई अब क्वेश्चन गया कि जो ये पुली है ना पी इस पुली पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू दीज टेंशन इन दोनों टेंशन के कारण कितना फोर्स लगना है यानी जो फोर्स ये जो क्लैंप लगा हुआ है ना उसको कितना फोर्स लगाना है इधर को तो इस वाले टी को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स इधर को लगाना पड़ेगा टी ऐसे दिस वे तो अगर बेटा ये वाला एंगल था थर्टी ड्रॉ करके दिखाता हूं एक बार इस टेंशन के अगेंस्ट एक फोर्स आएगा टी इधर को और एक जो नीचे को टेंशन है उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा टी ऊपर को अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वही पैरल लाइन कोरस्पॉ एंगल्स ये थर्टी आ गया तो ये एंगल कितना हुआ सिक्सटी ठीक है तो अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिसक्वल टू थ्री एम जी बाय थ्री और एक फोर्स बेटा ये जो ये भी एम जी बाय थ्री है नो no डाउट लेकिन इसका एक कंपोनेंट भी है सिक्सटी डिग्री एंगल पे कॉस सिक्सटी की वैल्यू वन बाय टू ठीक है एमजी बाय सिक्स एक फोर्स और लगेगा जो कि जे कैप के लॉन्ग होगा तो जे कैप के लॉन्ग फोर्स आएगा एम जी बाय दूसरा जो कंपोनेंट है MG by वो भी आएगा ये दो कैप के लॉन्ग हो गए और एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक की फोर्स होगा वो होगा एम जी बाय थ्री का साइन कंपोनेंट साइन ऑफ सिक्स डिग्री आप जानते हैं रूट थ्री बाय टू तो ये आई कंपोनेंट आ गया बाकी इसको बेटा जे इकट्ठा कर लो आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन आना चाहिए चलिए एक्स्ट्रा इंकरेज एक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जिसको डाउट है बेटा इसको वीडियो को बैकवर्ड करिए दोबारा फिर समझ सकते हैं चलिए ये क्वेश्चन इजी था एक ब्लॉक है मास एम का उस पे बेटा एक फोर्स लगाया पी जो कि थर्टी के एंगल पे है तो इस पे जो मोशन जो है वो जस्ट शुरू हो जाता है तो क्वेश्चन है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है बिटवीन द बॉडी एंड द सर्फिस क्या है तो वो याद है ना आपको पुलिंग एंड पुशिंग अप रोलर इस p के जो ना दो कंपोनेंट हो जाते हैं p cos 30 जो कि आगे खींचेगा और p sin 30 जो कि इसको वेट के अगेंस्ट कुछ फोर्स प्रोवाइड करेगा तो mg में से p sin 30 यानी कि p by 2 माइनस कर दो नेट रिएक्शन आ गया रिएक्शन को म्यू से मल्टीप्लाई कर लो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है तो into म्यू कर दो सो so, ये तो इतना ही है आंसर c 11th क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है एक फोर्स जो है वो माइनस के वाई प्लस के एक्स थी उसके अंडर हमने एक ऑब्जेक्ट को पहले शिफ्ट करना है जीरो से ओरिजिन से ए जीरो तक और फिर उसको यहां से लेके जाना है ए ए तक तो इस प्रोसेस में कितना वर्क होगा तो जब तो इधर को लेके आएंगे बेटा तो फोर्स आप लिखेंगे फोर्स का देखो जो

तो इतने पार्ट का तो वर्क डन इज जीरो तो वर्क होना सिर्फ इस पार्ट में और इधर को जब आप जाएंगे तो वर्क डन निकालने के लिए अब वाई रखनी है यहाँ पे a ये बेटा फोर्स हो गई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से यहां तक a तो ये फोर्स आ गया बेटा ये डिस्प्लेसमेंट आ गया ये वर्क डन आ जाएगा माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इधर को था डिस्प्लेसमेंट उसके अगेंस्ट हो रहा है तो जो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर वन एटी पे हो जाए तो वर्क नेगेटिव आता है ना तो आंसर इज माइनस के ए स्क्वेर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है एक्स एक्सिस के अलोंग गए कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका एक्स कंपोनेंट जीरो था जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तब एक्स का वैल्यू ए हो चुका है तो एक्स की जगह ए पुट कर दिया हमने तो फोर्स आ गई माइनस के ए और वाई के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ ए लेकिन फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट था इसलिए वर्क का साइन जो है वो माइनस आ जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फोर्स वर्सिज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है फोर्स वर्सिज डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे नीचे जो एरिया है ना वो इक्वल टू वर्क डन होता है और वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी भी होता है बट अब हुआ क्या कि इसमें ना कुछ फ्रिक्शन भी थी और मास था ट्वेंटी फाइव के जी तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना फाइनल जो है आपको दी है मास ऑफ़ उसकी इनिशियल थी टू आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब ये फोर मीटर का डिस्टेंस कवर कर जाएगा तो होना तो ये चाहिए था कि जो वर्क डन है ना वो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए तो ये जो फोर्स लग रही है ये ये फोर्स 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 है रेजिस्टिव रेजिस्टिव मतलब जो वर्क होगा ना वो काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो वर्क डन आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो और जो वर्क डन हुआ वो काइनेटिक एनर्जी में से माइनस कर लो दैट इज इक्वल टू नई काइनेटिक एनर्जी तो सॉल्व करेंगे बेटा टेन रूल आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये बताया हुआ आपको एक यूनिफॉर्म चेन जो है एक टेबल से अगर नीचे हैंगिंग है तो उस चेन को अगर टेबल पे वापस खींचना हो उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा उसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि जो मास है ना चेन की पूरी चेन की मास उसको पहले इंटू जी इंटू पूरी चेन की लेंथ बाय टू इंटू जो पार्ट हैंगिंग है चेन का वन थर्ड टू थर्ड कुछ भी उस फ्रैक्शन का आपने यहां पे करना है तो हमें दिया है क्वेश्चन में कि ऑफ़ द लेंथ जो है है हैंगिंग तो वन बाय थ्री का स्क्वायर करना है इतना वर्क करना पड़ता है तो शॉर्टकट याद रखना बेटा एम जी इन टू टोटल लेंथ ऑफ द चेन बाय टू इन टू जितना फ्रैक्शन वन थर्ड जो भी है है उसका स्क्वायर कर दो आंसर आ जाएगा तो एम जी एल बाई एटीन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी जो मास की है कुछ डिस्टेंस ने कवर किया अंडर सम कांस्टेंट फोर्स वो मास पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा ये क्वेश्चन है तो बेटा जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो इक्वल टू वर्क डन तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर अगर आपने जीरो वेलोसिटी शुरू किया ना तो इनिशियल एनर्जी तो जीरो होगी और फाइनल कैनेटिक एनर्जी जो है वही इक्वल टू वर्क डन आएगी तो वर्क डन होता है सिर्फ फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट तो इसमें मास आता ही नहीं है तो जो फाइनल कैनेटिक एनर्जी होगी वो एग्जैक्टली exactly बस मास से इंडिपेंडेंट जितना वर्क हुआ उसके बराबर आ जाएगी मास कम हो ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो एम पावर जीरो करेक्ट आंसर है

2t minus 6, 9 का डेरिवेटिव 0, अनदर डेरिवेटिव एक्सेलरेशन रहेगी 2. तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, यानी अगर फोर्स कांस्टेंट है, तो आपको बताया गया है फोर्स का जो वर्क डन है, वो इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट? Right? तो फोर्स अपनी हो गई, म इनटू ए, मास मास क्वेश्चन में नहीं है चलो एक और काम करके देखते हैं इक्वल टू चेंज इन वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी एफ इन टू एस वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन क्योंकि एक आंसर ना जीरो भी दिया हुआ है लेट अस सी के जीरो आता है नहीं आता है मे बी जीरो आ जाए चेक कर लेते हैं तो इसकी बेटा छः सेकेंड पे जो वेलोसिटी थी ना यहाँ पे टी की वैल्यू सिक्स पुट करिए 6 into 2, 12, 12 minus 6, 6 square. ये हो गई फाइनल कैनेटिक एनर्जी इनिशियल कैनेटिक एनर्जी थी इक्वल टू टी को जीरो पुट कर दीजिए हाफ एम इन वेलोसिटी थी माइनस सिक्स बेटा ठीक है मास की जरूरत नहीं है तो ये दोनों टर्म सेम हो गई तो वर्क डन इक्वल टू जीरो सही आंसर जीरो है बेटा बाकी अगर कोई और ऑप्शन आना है ना इसमें ए बी या डी में से तो मास इज मस्ट उसके बिना नहीं निकल पाएगा तो जीरो लिखा हुआ था इसलिए चलो आंसर आ गया अदरवाइज बिना मास के क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जब दो पार्टिकल्स बेटा इलास्टिकली कोलाइड करते हैं टारगेट मास अगर रेस्ट पे हो तो आपको ना दो फार्मूले बताए हुए हैं एक बताया हुआ है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफरड कि दूसरा जो टारगेट मास था ना स्टेशनरी उसको कितना काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गया उसके लिए फॉर्मूला था फोर एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर और अगर निकालना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी बची रह गई फिर एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू होल स्क्वायर ये कितना है कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग है फर्स्ट मास के पास तो आपको बेटा डायरेक्टली इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो कोलिजन में क्या हुआ कि एक पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन वो कोलाइड कर गया हाइड्रोजन एटम से तो कितना फ्रैक्शन जो है वो ट्रांसफर हो गया एनर्जी का तो आपको रेशियो ऑफ आप मासिस दिया हुआ है तो अगर इलेक्ट्रॉन की मास को आप एम लिख लेते हैं तो हाइड्रोजन की मास को बेटा एटीन थाउज वन थाउजेंड एम लिख देना वैल्यूज डालो तो, तो यही वाला फॉर्मूला लगाना है आपको और इसमें वैल्यूज पुट कर दो परसेंट कितने ट्रांसफर हुआ वो निकालने के लिए इन हंड्रेड और कर देना क्योंकि परसेंट पूछा ना ये जो 17, to, ये है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन काइनेटिक एनर्जी डी फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ प्रोपोर्शनल टू ये क्वेश्चन मुझे रिपीट हो गया है सिमिलर क्वेश्चन है चलिए प्लीज इसको अपने आप मैनेज कर लीजिए इंडिपेंडेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 फोर्स एक्टिंग प्रोपोर्शनल होगा तो पावर के लिए आप जानते हैं फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो पहले एक बट फोर्स होता है मास इनटू एक्सलरेशन मास इनटू एक्सलरेशन इज फोर्स राइट तो अगर मास को बेटा इधर ले जाए अकॉन्सटेंट तो एक्सेलरेशन जो है वो एक्स पावर माइनस टू बाई थ्री पे डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन को लिखिए आप सम कांस्टेंट इनटू एक्स पावर माइनस टू बाय थ्री और एक्सेलरेशन होती है डीवी बाय डीटी, बट टाइम हमें नहीं चाहिए आंसर में ना तो क्या करते हैं हम डीएक्स uh, से मल्टीप्लाई डीएक्स से डिवाइड

फोर्स में एक्स पावर माइनस टू बाई थ्री था वेलोसिटी में एक्स पावर वन बाय था दोनों को मल्टीप्लाई करिए एक्स का पावर निकाल लीजिए वही सही आंसर है तो ऑप्शन बी इसके लिए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन द फिगर इसका कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स टाइम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो कैसा बनेगा ये निकालना है आपको तो इसके लिए जो प्लस के बच्चे उन्होंने किया है, इलेक्ट्रिक जैसे होता न, ग्राफ का स्लोप होता है तो स्लोप के साथ नेगेटिव साइन लगा दो जब ग्राफ ऊपर को जा रहा होता है तो स्लोप होता है पॉजिटिव ठीक है और ये स्लोप कॉन्स्टेंट है सभी जगह एक ही जैसा स्लोप है ग्राफ का तो स्लोप कांस्टेंट है तो इतनी जगह में फोर्स रहेगी कांस्टेंट लेकिन प्लस के आगे एक माइनस साइन भी लगाओगे तो फोर्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पे माइनस मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी सही है और यहाँ पे स्लोप था जीरो स्लोप जीरो तो बेटा फोर्स भी जीरो तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये क्वेश्चन आपने थ्योरी में भी किया हुआ है एक ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट से रिलीज करें ताकि वो इधर जाके बेटा सर्कल को पूरा कर ले तो उसके लिए फॉर्मूला था कि इसकी जो वेलोसिटी बनेगी ना यहाँ पे जाके जिसको हम रूट टू जी एच लिखते हैं वो वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए जो कि रूट ऑफ फाइव जी आर होती है स्क्वायर कर दो यानी रूट हट जाएगा और जी से जी कैंसिल कर दो हाइट जो है वो इक्वल टू फाइव बाई टू आर के बराबर आती है तो रेडियस आपको हाइट आपको दिया हुआ है रेडियस आपको निकालना है सॉल्व कर लेंगे अपने आप चलिए असेशन अ बॉडी कांट हैव एनर्जी विदाउट हैविंग मोमेंटम बट इट कैन हैव मोमेंटम विदाउट हैविंग एनर्जी दूसरा दिया है रीजन मोमेंटम एंड एनर्जी हैव सेम डिमेंशन ये तो आप जानते हैं एनर्जी और मोमेंटम के डिमेंशन सेम नहीं है तो रीजन जो है वो सटनली फॉल्स है तो लास्ट के दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगा अब देखना है कि क्या असर्शन सही है कि नहीं है असर्शन में बोला कि बॉडी जो है वो एनर्जी प्रोसेस नहीं कर सकती ये नहीं बोला कैनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑनली तो एनर्जी तो बड़ा पोटेंशियल भी हो सकती है एक स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है लेकिन उसका मोमेंटम नहीं होता तो मोमेंटम के बिना भी एनर्जी हो सकती है यानी असर्शन भी गलत है तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स सही आंसर है, है इसका

और टू एस एस से और खींचेंगे तो डिस्टेंस जो है ना उसका मूव वो टू स्ट्रेचिंग जो है वो डबल हो जाएगी तो यू कहो कि वर्क डन जो है वो फोर टाइम्स हो जाएगा लेकिन जो टेन जूल वर्क है ना डब्ल्यू वर्क वो पहले ही हो चुका है तो कितना वर्क और करना पड़ेगा तो इसको अभी मैं डब्ल्यू फॉर न्यू स्ट्रेच या एडिशनल या स्ट्रेच के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा तो फोर टाइम्स डब्ल्यू चाहिए उसमें से W पहले हो चुका है <coughs> तो थ्री टाइम्स W चाहिए यानी कि टेन का थ्री टाइम्स कर लो थर्टी एक वो जो गिलियन रेशियो था ना बेटा वन थ्री फाइव सेवन वाला वो यहां भी काम कर जाएगा ऐसे भी ठीक है <coughs> शुरू के मान लो एस डिस्टेंस में वर्क करना पड़ा वन तो अगले एस डिस्प्लेसमेंट में थ्री टाइम करना पड़ेगा उसके अगले एस डिस्प्लेसमेंट में फाइव टाइम करना पड़ेगा ऐसे भी याद कर सकते हो चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एक पंप सेट है जो कि वाटर को डिलीवर करता है थ्रू अ पाइप तो अगर हमने डबल पानी लेना है पर सेकेंड उसी पाइप में से तो मोटर का जो पावर है ना वो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा तो अभी अभी हमने एक रिएक्शन वाला फोर्स निकाला था उसमें आपने देखा था वो वी बाय टी का स्क्वायर आ गया था पावर में एक बार वेलोसिटी से और मल्टीप्लाई करना पड़ता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया ना कि एक पावर में से जो पंप जो है ना वो यहाँ से पानी पंप आउट कर रहा है तो उसके लिए कितना उसको वर्क करना पड़ता है तो उसमें वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड जो कि वेलोसिटी डिपेंड करता है इसमें वेलोसिटी का स्क्वायर आता है और पावर में जो है फोर्स को वेलोसिटी से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आप अगर सीधा भी याद कर लेंगे वैसे पूरा फॉर्मूला लिख दिया है हाफ रो ए इंटू वी क्यूब इतनी पावर चाहिए तो बेटा अगर वेलोसिटी को डबल करना है तो डबल का क्यूब करेंगे तो आंसर वुड बिकम एट टाइम्स चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर दो स्प्रिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट है फिफ्टीन हंड्रेड न्यूटन एंड न्यूटन पर मीटर एंड थ्री थाउजेंड न्यूटन पर मीटर उनको अगर सेम फोर्स से खींचा जाए तो उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसका रेशियो क्या होगा तो अगर दोनों को सेम फोर्स से खींचा जाए तो दोनों का एफ इज इक्वल टू के वन एक्स वन एंड दूसरे का भी सेम फोर्स है के टू एक्स टू सेम आएंगे विच मीन्स एक्स वन बाय एक्स टू का रेशियो जो है वो के टू बाय के वन आएगा उल्टा रेशो आएगा और जो वर्क डन का रेशो है या एनर्जी स्टोर्ड का रेशो सॉरी वो आएगा बेटा हाफ के वन एक्स वन स्क्वेयर अपॉन हाफ के टू एक्स टू स्क्वेयर हाफ हाफ कैंसल के वन बाय के टू को इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे K1 by K2 को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे K2 square by K1 square, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा तो यू कहो कि जो वर्क डन की रेशो है एनर्जी स्टोर्ड की रेशो है वो इनवर्स रेशियो ऑफ स्प्रिंग होता है तो यहां पे रेशियो है, है अपना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव जब वर्क होगा एक एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क करना है किसी ऑब्जेक्ट पे तो बॉडी की बेटा अगर तो वर्क करना है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मान लो इधर को फोर्स लगा रहे हैं तो कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बट अगर फोर्स इधर को लगा रहे हैं तो हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए तो यहां पे लिखा है ओनली कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज गलत हो गया ओनली पोटेंशियल एनर्जी कैन इंक्रीज वो भी गलत हो गया बोथ कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज ठीक है दोनों ही इंक्रीज हो सकती है सम ऑफ कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट ये भी गलत वर्क करेंगे तो एनर्जी में चेंज तो आएगा ही आएगा ना तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है तो होप के सारे क्वेश्चन समझ आगे होंगे अगर किसी में डाउट है बेटा वीडियो को रिवर्स कीजिए और अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मुझे व्हाट्सएप करिए मैं आपको सोल्यूशन दोबारा फिर सेंड कर दूंगा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग